हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय टुडेज़ व्लॉग। तो अभी का सीन ये था कि बच्चे चले गए स्कूल और मैं उठ गया, रेडी हो गया, नहा लिया और अब ब्रेकफास्ट बन रहा है। ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं आज ब्रेड ऑमलेट और खा के फटाफट से ब्रांच पहुंचना है क्योंकि आज भी कुछ काम है, जल्दी पहुंचना ऑफिस। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं गाड़ी में, फिर आपसे करते हैं बातें और दिखाते हैं आपको, ब्रेकफास्ट भी दिखाते हैं, मैं कैसे ब्रेड ऑमलेट खाता हूँ वो भी दिखाता हूँ। तो गाइज, ये है आज का ब्रेकफास्ट, ब्रेड ऑमलेट एंड टी। ब्रेड ऑमलेट वैसे ही खाता हूँ, ऑमलेट बना के ब्रेड अलग से सेक देते हैं, इसमें रख के सैंडविच बना के खा लो, ठीक है। तो अब फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मिलते हैं गाड़ी में। हे गाइस, तो अभी ये है कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और अब निकल गया हूँ ऑफिस के लिए घर से। फटाफट से पहुँचते हैं, काम शुरू करते हैं और आगे का देखते हैं दिन कैसा जाता है। आज फिर एक जगह कस्टमर मीटिंग के लिए जाना है, कुछ इंश्योरेंस की कॉल है मेरी, तो आगे का बताते हैं कैसे रहता है, क्या रहता है पूरे दिन में। अभी आज थर्सडे हुआ है, अभी 2 दिन और जाना है, फिर संडे है। संडे एक्चुअली हमें घर ढूंढना है नया। एक्चुअली क्या हुआ है कि इस वाले घर पे ना थोड़ी दिक्कत हो रही है कि सीलन बहुत ज़्यादा है दीवारों पे, और उसके लिए हमने अपने लैंडलॉर्ड से बात करी थी, ही सेड कि आप एस्टिमेट वगैरह ले लो। हमने एस्टिमेट ले लिया और बट उसके ना अब एक दो बंदे जब आए तो उन्होंने बताया कि मेरे लॉस भी आए थे, वो भी ये कह रहे थे कि इसके ना फर्श में पानी है क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, यहाँ से ना उससे वो सीलन दीवारों पे चढ़ रही है और जब तक वो ठीक नहीं होगा ना तब तक ये टाइल वगैरह करा लो, कुछ भी काम करा लो, वो कामयाब होगा नहीं यहाँ पे जब तक इसकी जड़ ठीक नहीं करोगे। और अब वो उसके लिए फिर पूरे घर की टाइल्स वगैरह जहाँ से हमें डाउट है वहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ तक होगा पड़ेगा काम तब वहाँ तक पूरा चेक करना पड़ेगा कि पाइप लीक है या फट गया है, क्या हुआ है, और उसके लिए पूरे घर में महसूस आएगा। मैंने लैंडलॉर्ड से बात करी है, ही सेड के अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी नहीं करा सकते। उन्होंने कहा फिर हम चेंज करते हैं, फायदा नहीं है ऐसे यहाँ पे क्योंकि प्रॉब्लम बहुत हो रही है, सीलन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और अनलेस अच्छा भी नहीं है ना कि हम उनके पैसे लगवा दें अभी उस पर, अगर वो अभी रिपेयर भी करा देते हैं उनके पैसे खराब ना हो जाए, ये डर भी है कि उनके पैसे ना खराब हो जाए टाइल वगैरह पे, खर्चा तो आएगा। बस उसी चक्कर में देखते हैं कुछ और ऑप्शन, देखते हैं कुछ और ऑप्शन आसपास मिल जाता है तो फिर हम वहाँ शिफ्ट कर लेंगे जल्दी, ठीक है। चलो तो अभी तो फटाफट पहुँचते हैं ब्रांच, आज का काम करते हैं, संडे की बात संडे करेंगे जैसे भी होगा। और एक यहीं पे अपने कस्टमर हैं पास में, मैं जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए, तो मैं कहा चलो, फिर मैंने ऑफिस में किसी से स्कूटी बोरो करी और फिर जा रहे हैं, कुछ अर्जेंट था इसलिए बीच में निकलना पड़ा, तो चलो मेरे हिसाब से ही बात कर लेते चलते करते हैं। बट हाईवे है हे गाइस, तो अभी का सीन ये है कि मैं निकल गया था ब्रांच से और अब जा रहा हूँ घर, रास्ते में कुछ सामान लेते हुए जाना है, वो लेके घर जाएंगे। अभी आया हम सीएनजी भरवाने, ये हमारा सीएनजी पंप, यहाँ पे ये भी मिलता है सब खाने पीने का ना सामान मिलता है। तो बस फटाफट से पहुँचते हैं घर, पीते हैं चाय और घर जाके भी थोड़ा सा काम वाम निपटाना है, बहुत टेंशन है, पेंडिंग है यार। वो नया बेल्ट आया था ना उसके अंदर सामान अभी थोड़ा सा फिट हो गया, थोड़ा सा रह गया, तो उसको आज पूरा कंप्लीट करना है क्योंकि दो कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा लेट जा रहा था, थकावट थकावट भी थी। आज प्लान किया हुआ था कि आज जाएंगे, आज कंप्लीट कर देंगे उसको, तो बस आज कंप्लीट करना है। तो फटाफट से पहुँचते हैं, चाय पीते हैं और काम पे लगते हैं, फिर डिनर पे मिलेंगे आपसे, ठीक है जी। अब बता दें डिनर क्या कर रहे हैं कैसे, चलो मिलते हैं। अभी यार कुछ वैसी बस सीएनजी भर रही है, इसके बाद चलते हैं घर। यस, सीएनजी भरवा के घर पहुंचते हैं और फिर पीते हैं चाय, फिर मिलते हैं, करते हैं काम, फिर करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। कि मैं दोबारा बोल चुका हूँ पर पता नहीं दोबारा एक बार मन किया कि चलो फिर से कैमरा ऑन करता हूँ तो कुछ मिला नहीं बोलने के लिए, ले दोबारा बोल दिया। छोटी बच्ची हो क्या? ठीक लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कमेंट करके बता देना भैया, रिपीट मत करा करो बार बार, ऐसे कर देना, ठीक है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सो गाइस, ये है इवनिंग स्नैक्स, टुडेज इवनिंग स्नैक्स विद टी। ये देखो, ये समोसा नाराज हो गया, कहीं जा रहा है, तो पता नहीं किसकी तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये कहीं मुड़ गया है, ये या तो ऐसे उड़ेगा या ऐसे कहीं जाएगा।
अगर आपको पता हो कहाँ जा रहा है तो कमेंट करके बताना। और ये शिल्पा की तरफ इशारा कर रहा है, ये शिल्पा के मुंह में जाएगा सीधा, बाकी सब ठीक है। चलो जी फटाफट से चाय पीते हैं और फिर आगे का काम करते हैं। Hey guys, तो अभी का सीन ये है कि हमने डिनर कर लिया था, तो थोड़ा बहुत सेटिंग करनी थी वो भी कर ली, अभी सामान थोड़ा सा और बिखरा हुआ है तो वो कल मॉर्निंग में सेट कर लेंगे ये लोग। अब बस लेट बहुत हो गए हैं, सुबह ऑफिस भी जाना है, तो फटाफट से सोते हैं, करते हैं इस ब्लॉग का एंड। मिलेंगे कल सुबह नए ब्लॉग में, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय।